हेलो एवरी वन वेलकम बैक अगेन टुडे वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टीच समथिंग टू यू बट रैदर टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज लाइफ ऑफ अ नाबार्ड ऑफिसर एज वेल एज रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ नाबार्ड ऑफिसर नाउ आई मेक इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि आज हम ना तो ये डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड की सैलरी कितनी है सिटी से कितनी है आपको कार मिलती है कि नहीं आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं राइट वर्क बैलेंस में कैसा है नाबार्ड वगैरह दीज थिंग्स आर जस्ट चेरी और मे बी फ्रॉस्ट ऑन द केक बट द रियल थिंग वॉट एक्चुअली द लाइफ ऑफ नाबार्ड ऑफिसर इज वॉट इज द रोल ऑफ नाबार्ड ऑफिसर इट इज ऑल अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नाबार्ड ऑफिसर सो देर फॉर टूडे वी विल डिस्कस ओनली कोर ऑफ दिस ओके सो आज हम बस एक्चुअल रोल्स और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे नाबार्ड ऑफिसर की सो टू अंडरस्टैंड इज़ द आप नाबार्ड ग्रेड ए 2023 ट्वेंटी करते हो यू जॉइन एज एसिस्टेंट मैनेजर ओके उसके बाद आपका प्रमोशन होता है मैनेजर देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर डेप्यूटी जनरल मैनेजर जब आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हो दैट टाइम यू मे अल्सो गेट अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर ओके हु हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्रेडिट प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देन यू मूव प्रमोशन टूवर्ड्स जनरल मैनेजर फिर आप चीफ जनरल मैनेजर बनते हो एग्जीक्यूटिव डिरेक्टर एंड द फाइनल स्टेज इज ऑल दीज पोस्ट इफ यू सी दीज आर प्रोमोशन ऑफ नाबार्ड

नाबार्ड एज एन ऑर्गनाइजेशन सिमिलरली एजुकेशनल बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेजिन करिए दैट इफ यू आर आई टी प्रोफेशनल तो आप आई टी प्रोफेशनल एज अ आई टी प्रोफेशनल यू गेट सिलेक्टेड इन द एग्जाम यू जॉइन इन द आई टी डिपार्टमेंट इन नाबार्ड तो आपका बैकग्राउंड भी कभी कभार इज लिंक टू वॉट आर यूर फंक्शन वॉट आर यूर यूर रोल एंड हाउ इज यूर लाइफ इन नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन ओके सो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू दैट इज डिवीजन डिवीजन ऑफ द फंक्शन और मे बी डिपार्टमेंट्स ऑफ द नाबार्ड इनटू फाइव पिलर्स जिनको मैं स्तंभ भी कहूंगा तो नाबार्ड के पांच स्तंभ कौन से कौन से हैं फर्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर जो भी खेत में या फिर जो भी फार्मर्स के लिए नाबार्ड कर रहा है वो पहला पिलर सेकेंड इज मनी एंड फाइनेंस पिलर अब हम सब जानते हैं फॉर डूइंग ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके लिए क्या लगता है ऑफकोर्स कैपिटल लगता है पैसा लगता है सो फाइनेंसो वी नो की नाबार्ड का मेन फंक्शन री फाइनेंसिंग है तो हम ये भी जानेंगे दैट इन धिस पर्टिकुलर पिलर वी विल अंडरस्टैंड वॉट आर फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ नाबार्ड दर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर और स्तंभ जो कि हमने कहा है इट इज रेगुलेशन एंड सुपरविजन जो कि नाबार्ड करता है ऑफ डिफरेंट स्मॉल रीजनल रूरल बैंक

हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे विथ आर फर्स्ट कोर पिलर दैट इज रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर अब ये जो पिलर है इसका मेन फंक्शन या फिर रोल ये है इट इज अबाउट ऑल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम क्रेडिट प्लानिंग ओके क्रेडिट प्लानिंग एंड ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अगर इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं वी हैव द फर्स्ट डिपार्टमेंट विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फार्म सेक्टर इनिशियेटिव जो कि फार्म के ऊपर आप कोई भी पॉलिसी देखते हो फार्म के ऊपर कोई भी डेवलपमेंटल इनिशियेटिव देखते हो जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ इंट्रीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट स्कीम जो कि इरीगेशन से रिलेटेड है तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस स्कीम की पॉलिसी क्या है ओके वॉट आर द एसोसिएटेड प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें फर्स्ट डिपार्टमेंट देखता है

डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटेंट रोल नाबार्ड क्योंकि नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉरिवरीटिव बैंक एस एच जीज कोऑपरेटिव इन सारे इंस्टीट्यूशन की हैंड होल्डिंग करने के लिए एज वेल एज इनका मॉनिटरिंग करने के लिए यहां पर नाबार्ड इस स्पेसिफिक नाबार्ड के डिपार्टमेंट का रोल है ओके okay?

वेरी वेरी रीजनल और रूरल हिंटरलैंड जहाँ पर भी सर्विसेस अवेलेबल नहीं होती है जहाँ पे भी रीजनल एरियाज है उनको उनके पास सर्विसेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का यूज होता है आपने कभी ना कभी इस प्रोग्राम का तो नाम सुना ही होगा विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम तो धिस इज डन बाई धिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट राइट तो आपका रोल क्या है यहाँ पर असिस्टेंट इज गिवन बाई दी or ऑफ माइक्रो फाइनेस माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस एंड हेयर जो कि नाबार्ड के पास आते हैं मे बी लोन्स के लिए या फिर भी क्रेडिट फ्लो के लिए ओके okay? फिर आता है हमारा एक डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड टू स्टेट प्रोजेक्ट अब आप जानते हो कि हर एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है राइट सो एवरी स्टेट एजेंसी डिस्ट्रिक्ट दे कनेक्ट विथ नाबार्ड सो दैट दे विल डू एनी प्रोग्राम एनी इनिशियेटिव एनी फंडस स्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज ओके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज ये सारी चीजें नाबार्ड इनको भी सपोर्ट देता है ओके सो फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में सुना होगा धिस फंड इज अंडर धिस डिपार्टमेंट यार अगर आपका रोल अगर हम डिस्कस करें इट इज अबाउट अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स ओके ऑल्सो गिविंग प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट इस तरह से आपका रोल हो सकता है इस स्टेट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में देन देर इज अदर डिटेट डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड टू ऑल दी ऑफ फार्म एक्टिविटीज अब एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे एंसिलरी एक्टिविटीज है फिर वो डेयरी uh, हो गया कैटल्स का रियरिंग हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सारी एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए ये जो भी रोल है ये ये डिपार्टमेंट फॉलो करता है सो यर यूर रोल वुड बी प्रोमोटिंग लाइवलीवुड एक्टिविटीज़ तो आपने कभी ना कभी रूरल हाथ का कभी ना कभी नाम सुना होगा वॉट आर रूरल रूरल हाथ्स रूरल हाथ्स इज एन इनिशिएटिव विच सपोर्ट्स द हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैंडलूम वर्कर्स इन द रूरल एरियाज अब यहाँ पर भी फंडिंग यहाँ पर भी उनको क्रेडिट चैनलाइज करने के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का यूज होता है सो सपोर्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट इज डन बाई दिस डिपार्टमेंट एंड यूअर रोल इज ऑल्सो सच इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देन कम्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरेज एंड मार्केटिंग तो आपको पता ही होगा दैट स्टोर स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग सो ऑल देयरहाउस रिलेटेड और स्टोरेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यूअर रोल इफ यू ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड बी सपोर्टिंग एंड एक क्रेडिडेशन ऑफ वेयर हाउसेज ओके क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज सिस्टम दिस वुड बी यूर रोल नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट पिलर जो कि टोटली रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज हमने बात की अब हम सेकेंड पिलर के पिलर पिलर में जा रहे हैं हमारा सेकंड स्तम्भ जो हमने कहा था वो क्या था मनी एंड फाइनेंस जितनी भी नाबार्ड एक्टिविटीज करता है उनके लिए लगता है डायरेक्ट फाइनेंस एंड रीफाइनेंस डायरेक्ट फाइनेंस मतलब आपने किसी किसी को डायरेक्टली फाइनेंस डायरेक्टली लोन दे दिया डायरेक्टली ग्रांट दे दिया जो कि नाबार्ड करता है अपार्ट फ्रॉम दैट नाबार्ड का मेन फंक्शन है रीफाइनेंसिंग व्हाट इज रीफाइनेंसिंग फॉर एक्साम्पल देयर इज अ स्टेट बैंक इन अ रूरल विलेज उस स्टेट बैंक ने किसी किसानों को लोन दे दिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए नाउ नाबार्ड उसी लोन को फिर से एक रो, लोन प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ओके स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड प्रोवाइड लोन टू कवर दैट लोन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये फंक्शन ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है अगर यहां पर हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर मनी एंड फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट सो so, यहाँ पर आपका फंक्शन रहेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंट्स को चेक करना फाइनेंशियल uh, रिजल्ट्स को एनालाइज करना रिपोर्ट्स क्रिएट करना बजट बनाना नाबार्ड के रिलेटेड नाबार्ड का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो बनाना राइट right? so, सो ये आपके फंक्शन हो जाते हैं इस डिपार्टमेंट में सेकेंड जो डिपार्टमेंट है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस ऑफ ऑल द बिजनेस इनिशियटिव ऑफ नाबार्ड तो नाबार्ड जितने भी बिजनेस के रिलेटेड नए इनिशियटिव लाता है फॉर एग्जाम्पल कल सपोज नाबार्ड एक लोन की नई स्कीम लाता है वो स्कीम किसानों तक तो पहुंचाने के लिए टू तो प्रो टू पु, पुश देम और पुश इट टूवर्ड्स दी फार्मर्स वॉट एवर फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट क्रेडिट अगर हम देखें या फिर नए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं नाबार्ड को उनको फाइनेंस देख ले ये डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पर रोल सिंपल होगा अगर ग्रांट है कोई अगर ग्रांट है कोई या फिर अगर कोई भी फाइनेंस है तो इस फाइनेंस में इनको उसको फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उसको स्पॉन्सर करता है या फिर उसके कंटेक्स में आपका रोल रहेगा कि आप उस उस जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्क्रूटिनाइज करोगे और उसका प्रपोजल करोगे ओके देन कम्स अ डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग के रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपका रोल रहेगा कि आप एनुअल बिजनेस प्लान यहाँ पर बनाइए सो यू विल प्रिपेयर एनुअल बिजनेस प्लान रिसोर्स एलोकेशन हाउ टू यूज द रिसोर्स इफ नॉट अवेलेबल हाउ यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स क्रेडिट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट स्टेट लेवल मतलब जितने भी किसान है एक डिस्ट्रिक्ट में उनको आप लोन कैसे दे रहे हो नाबार्ड के थ्रू स्टेट लेवल में जितने भी टोटल किसान है उनको कैसे आप डिफरेंट नाबार्ड के इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे आर आरबीज और कोऑपरेटिव के थ्रू आप कैसे क्रेडिट फ्लो मेंटेन करते हो एग्रीकल्चरल इस सेक्टर को आपको पता ही होगा पी एस एल

अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जो कि अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो नाबार्ड के सात सब्सिडरीज है ईच सब्सिडरी इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन फॉर एग्जाम्पल नैपफिन इफ़ यू टेक नाबार्ड सब्सिडरी इट इज रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ नाबार्ड सिमिलरली देर इज वन सब्सिडरी विच लुक्स टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट देर इज अदर नाबार्ड सब्सिडरी सो एवरी सब्सिडरी हैज़ इट्स Different, different functions for all their functions and their each subsidiaries projects programs or initiatives they will of course require finance they will require capital so through this department nabad provides them or monitors their finance monitor and also provides them enough capital it also formulates and reviews the investment policies of all these subsidiaries एंड ऑल्सो कंपनीज विच आर कनेक्टेड विथ नाबार्ड फिर वो कॉरपोरेट कंपनीज हो या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो इनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रोल ये आपका बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले होगा सो इफ यू आर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड आपको पता है कैपिटल मार्केट कैसे चलतेविंग एक्सपर्ट इज इन दैट डेफिनेटली यू कैन मूव आउट एंड यू कैन फिल द स्पेस इन दिस टाइप ऑफ नीच ओके आफ्टर दैट इफ यू टॉक फिर आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम से ही पता लग जाता है हाउ टू रेज द रिसोर्स ये आपका फंक्शन होगा रेजिंग फंड्स मैनेजिंग फंड्स एंड फाइनेंस ऑफ नाबार्ड ऑल्सो एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस विच आर लिंक टू नाबार्ड इनका भी आप फाइनेंसेस देखोगे और लास्ट अगर हम इस पिलर के डिपार्टमेंट को देखें तो वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्यूजन एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ना कभी के सी सी के बारे में पढ़ाई होगा किसान क्रेडिट कार्ड सो इट इज अ बैंकिंग टेक्नोलॉजी आपको कैसे क्रेडिट दिया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजिकल मीन्स तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सबको क्रेडिट ऑर्गेनाइज वे में अवेलेबल हो ओके फॉर्मल वे ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हाउ इट इज अवेलेबल टू एवरी वन सो दैट दे कैन एसेस एंड बी पार्ट ऑफ द बैंकिंग इंक्लूजन ओके तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप के सी सी की एक एग्जाम्पल ले किसान क्रेडिट कार्ड की दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम तो आपका रोल इस डिपार्टमेंट में इसी के रिलेटेड रहेगा कि आप कैसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके की तरफ़ बढ़ते हो। Then now our third pillar is regulation and supervision. का एक रोल सुपरविजन और रेगुलेशन भी है तो दो डिपार्टमेंट है, एक है सेंट्रल विजिलेंस का आपको पता ही होगा कोई भी organization, organization के तीन एम होते, एक होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इंटीग्रिटी और

दूसरा जो डिपार्टमेंट है इट इज रिलेटेड टू सुपरविजन ऑफ ऑल दी सब्सिडरी एजेंसीज ऑफ नाबार्ड जैसे कि आर आरबीज का सुपरविजन कोऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविजन छोटे छोटे और जो बैंक्स है या फिर एस एच जीज है उनका सुपरविजन ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है फॉर एग्जाम्पल ग्रेड ऑफिसर इफ यू आर पोस्टेड इन एनी एनी रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड देन यू मे गेट अ चांस ऑफ गोइंग टू आर आर बी गोइंग टू अ कोऑपरेटिव बैंक

फास्ट पेस टेक्नोलॉजी कि आजकल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग भी ड्रोन्स के थ्रू हो रहा है यू कैन नॉट बिलीव दिस दैट देर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च जो कि एक पॉलिसी एज वेल एज एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च डिपार्टमेंट है आपने कभी ना कभी नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट तो देखा ही होगा फॉर ऑल द पीपल हु है फॉर नाबार्ड वन और अदर टाइम सो वॉट एवर एनुअल रिपोर्ट आर देयर विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन वो करता है ये डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल रिपोर्ट्स जैसे कि नाफिस सर्वे हो गया ओके okay, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जित का जो सर्वे हो गया ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स और सर्वे भी करता है जिससे इकोनॉमिक एनालिसिस भी होता है और रिसर्च भी होता है तो यूअर रोल यर वुड बी टू एनालाइज एंड टू फ्रेम द डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट सर्वेस अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी द सेकेंड डिपार्टमेंट विच इज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोडक्ट इनोवेशन जहां पर आप नए नए क्रेडिट या फिर टेक्नोलॉजी या फिर रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड इनिशियेटिव एंड जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके रिलेटेड नए नए इनोवेशन करोगे विच टाइप ऑफ इनोवेशन फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाबार्ड का पोर्टल के सी सी से रिलेटेड पोर्टल ये सारे पोर्टल्स आप बनाओगे सो so एज ही नया रिसर्च या फिर डेवलपमेंट में हम उसकी यूज कर सके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए हियर वी फिनिश ऑल द फोर पिलर्स ऑफ नाबार्ड एंड नाउ वी कम टूअर्ड्स जमेंट totally of of भी बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरी है. About, guys, right? GPT, हम सब करते है पर हम कब कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पर You will be shocked to believe कि 2020 में नाबार्ड ने एक नया डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डेटा ही पता लग जाता है तो नाबार्ड ने 2020 में ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट बनाया सो इफ यू आर एन आई टी प्रोफेशनल तो आपका यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्कोप बढ़ जाता है जो कि हम जनरल लोगों का सुनते हैं

then we will talk about one more department which comes in internal operations this is related to premises security and procurement अब premises मतलब नाबार्ड के जितने भी offices हैं उन offices का कंस्ट्रक्शन वो offices कहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं लैंड एक्विजिशन करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसान मेला सपोज हमने किसी rural डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी लगा दिया उसके लिए जमीन लगती है तो ये सारी चीज़ें प्रीमाइसिस सिक्योरिटी एंड प्रोक्योरमेंट करता है अपार्ट फ्रॉम दैट नाबार्ड के जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, उनका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होगा राइट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैब्लिशिंग डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओके लुकिंग एट द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज हु इन नाबार्ड ये सारी चीजें एक डिपार्टमेंट करता है तो इफ़ यू फॉलो इन दिस डिपार्टमेंट यू लुक इन टू ऑल दी प्रिमाइस सिक्योरिटी रिलेटेड एंड प्रोक्योरमेंट रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दैट देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड और वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच आर तो हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होते हैं सिमिलरली नाबार्ड नाबार्डल्सो हैज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ट्रांसफर आपकी ट्रेनिंग पोस्टिंग कहाँ पर होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन में या फिर नाबार्ड का टोटल हेड ऑफिस से लेके जितने भी रीजनल ऑफिसेस है उनके साथ इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन करना एट द सेम टाइम हाउ टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द मिनिस्ट्रीज विद द अदर स्टेट मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ये आपका रोल होगा स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में देन कम्स इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट दिस डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इट्स फॉर हैविंग द फंक्शन और मे बी हैविंग द रोल ऑफ इंस्पेक्शन दैट इज इफिशियंसी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में नाबार्ड में या फिर परफॉर्मेंस क्या क्या है रीजनल ऑफिस का नाबार्ड की जितने भी सात सब्सिडरीज है उनका परफॉर्मेंस क्या है उनके ड्रॉबैक्स क्या है उनकी रिपोर्ट्स क्या है ये सारी इन्फेक्ट इंस्पेक्शन करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट आपने सुना ही होगा विसल ब्लोइंग इज ऑल अबाउट कि कहीं पर भी अगर करप्शन हो रहा है कोई भी करप्ट एक्टिविटीज़ है तो विशल विसल ब्लोइंग इज दैट प्रैक्टिस जहाँ पर आप ओपन में आके ये हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हो सो यू विल बी शॉक टू नो कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में एक विसल ब्लोअर्स विंग भी है ओके okay. सो so, यहाँ पर भी आपका रोल होगा कि इंस्पेक्शन करना सारे नाबार्ड के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का और नाबार्ड का भी रीजनल ऑफिस का हेड ऑफिस का कि इज इट प्रॉपरली वर्किंग इज द देयर प्रॉपर परफॉर्मेंस इज देयर इफिशियंसी इज देयर ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी इज और नॉट देन इज लॉ डिपार्टमेंट नाम से ही पता लग जाता है जितने भी लीगल अफेयर्स हैं नाबार्ड के वो जितने भी मैनेज करने या फिर लीगल कंसल्टेंसी देनी है नाबार्ड को ये ये डिपार्टमेंट

जितना भी एजेंडा है वो कैसे फार्मर्स तक पहुंचाना है ये डिपार्टमेंट देखता है ओके देन कम्स राजभाषा डिपार्टमेंट या फिर राजभाषा प्रभाग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि इंटरनल या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड है राइट राजभाषा डिपार्टमेंट ने आपने कभी ना कभी सुना ही होगा वॉट इज दिस डिपार्टमेंट ऑल अबाउट वी ऑल नो दैट नाबार्ड इज दैट रूरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कनेक्टेड टू ऑल द रूरल एरियाज इन द कंट्री जब हम जानते हैं दैट एवरी रूरल एरिया हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज राइट तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी इंग्लिश इंस्ट्रक्शन है या फिर पॉलिसीज है उनको हिंदी में कन्वर्ट करना एज वेल एज रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना एंड रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन ईजी करना ताकि किसान को भी एक पॉलिसी या फिर कोई स्कीम पढ़ के वो इंफॉर्मेशन उसको पता चले ये स्पेसिफिक जो फंक्शन है ये राजभाषा डिपार्टमेंट या फिर राजभाषा प्रभाग करता है सो मेनी ऑफ द पीपल अप्लाई इन नाबार्ड ग्रेडे फॉर राजभाषा प्रभाग डिपार्टमेंट यू कैन ज्वाइन हर हि इफ यू आर हैविंग बैकग्राउंड ऑल्सो द सिंपल फंक्शन हिस्टर इज ट्रांसलेशन एंड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ओके ताकि जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का दैट इज नॉट प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ द नॉट नोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज तो लैंग्वेज नथिंग बट इट इज जस्ट अ मीडियम किसी को इंग्लिश आती है किसी को हिंदी आती है इसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए दैट इज वाई डिपार्टमेंट इज एंड योर फंक्शन वुड बी ट्रांसलेशन एंड डिसमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन फिर आपका एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दैट इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो जब कोई भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है देर आर वेरियस रिस्क विच आर एसोसिएटेड नाबार्ड के कंटेक्स्ट में क्रेडिट की रिस्क हो गई फाइनेंस इतने सारे बैंक्स को वो फाइनेंस करता है क्रेडिट रिस्क हो गई अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट रिस्क ऑपरेशन रिस्क तो किसी भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अ सच रूरल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन देर शुड बी अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तो इफ यू आर इन दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपका रोल रहेगा कि आप पॉलिसीज बनाओ मैनेजमेंट या फिर रिस्क रिलेटेड एग्जाम्पल होगा आपने कभी ना कभी यू हैव रेड अबाउट बेसल रिफॉर्म्स बेसल थ्री रिफॉर्म्स राइट सो दीज रिफॉर्म्स आर अप्लाइड बाई धिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओनली ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो आपका रोल डेफिनेटली रहेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो अप्लाई करो सो दैट देर इज अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कम्स सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट विच इज द लास्ट डिपार्टमेंट इन दिस इंटरनल ऑपरेशन धिस डिपार्टमेंट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द हेड ऑफिस विथ ऑल द रीजनल ऑफिसिस ऑफ द नाबार्ड ठीक है तो ये एक प्रॉपर कनेक्शन रखता है मीटिंग्स जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगी ओके नोडल ऑफिस भी है उनका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ आर के साथ एंड अदर बैंक के साथ ये सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट करता है एंड विद दिस विद्लीटेड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल द दिलर ऑल्सो हमने जब पहले बात की थी वी टॉक्ट अबाउट दी फाइव इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ नाबार्ड एंड वी कम्पलीटेड ये पांच पिलर्स के हमने फंक्शन देखे एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड ओके ये पांच पिलर्स है तो ये पांच पिलर्स में ये ये फंक्शन है तो हमारे रोल भी ऐसे ही होंगे वी टॉक्ट अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट देयर फंक्शन एंड रोल रोल्सो वुड बी सिमिलर वेन यू विल ज्वाइन एज ए नावर्ड ग्रेडेड ऑफिसर एंड जब आप इनिशियल पोस्ट पे होते हो तो आपका जनरली इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन होता है जब आप हायर पोस्ट पे जाते हो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग कम्स टूट comes in your hand okay apart from that nabad if you consider life of a nabad officer it is a very empowering job educating job okay as well as it provides you a enough opportunity which gives also a work life balance to you okay so you could see that nabad not only is connected to the farmers it is also connected to the farmers self-help groups uh, different cooperatives, different banks, those may be regional banks or those may be banks like uh, SBI, private banks. It is also connected to uh, district offices, it is also connected to government, state government, central government, ministries, uh, different companies. So you are having a very diverse exposure. So that is why you could see different, different.